बहुत जन बोलते हैं भैया हम एग्जाम अभी भी निकाल सकते हैं क्या, अगर अभी से तैयारी की जाए तो? मैं बोलूंगा बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन एक काम करना है आपको, मैं पूरा चीज दिखाऊंगा ए टू जेड कैसे क्या करना है, कैसे अगर मान लो ये रास्ता 2 महीने का है और आप यहां पर खड़े हैं तो एनटीपीसी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, हर एक चीज बताऊंगा आपको आज के वीडियो में, ध्यान से देखना। और एक रिक्वेस्ट करेंगे, टोटली मैं फ्री में पढ़ाता हूं, तो एक रिक्वेस्ट है ना, इस वीडियो को शेयर कर देना, मान लूंगा कि आप वही पैसा मुझे मिल गया, पैसा मतलब शेयर और लाइक का पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन आप शेयर कर दोगे ना तो मुझे लगेगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचो और मेरा मेहनत कामयाब हो गया। आप देखना ए टू जेड आज के वीडियो में बताने वाले, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत बहुत जरूरी है आज के वीडियो में। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तभी आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कंटेंट तो आप सभी को मिल जाता है लेकिन कंटेंट इक्वल टू रिजल्ट नहीं निकलता है। कंटेंट मिलने से, पढ़ाने से रिजल्ट नहीं निकलता है। कंटेंट मिल गया, मैंने आपको पढ़ा दिया तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर इस कंटेंट के साथ, मटेरियल के साथ, इसमें अगर एक चीज जोड़ देंगे ना, अपना मेहनत लगन, तब ये इसको आप डबल टिक मार देना, रिजल्ट निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में ए टू जेड एक एक चीज समझाएंगे कि आपको करना क्या है, मेहनत कैसे करना है, इस 2 महीने में वहां तक क्यों कैसे पहुंचना है। और आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है, अभी भी मैं बोल दे रहा हूं 2 महीना अभी भी आपके हाथ में है, पक्का है। तो जहां इतनी उम्र होने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरा फ्यूचर अगर नहीं बना, अगर मैं अपने पैर के ऊपर खड़ा नहीं हूं इतने उम्र होने के बाद भी, तो क्या मैं 2 महीने अगर दिल लगाकर मेहनत कर दूं तो भैया क्या मैं अपने पैर के ऊपर खड़ा हो सकता हूं, क्या मैं लाइफ में सक्सेस हो सकता हूं? अगर एक बार वहां तक पहुंच गए तो अपने साथ साथ अपने पूरे फैमिली का फ्यूचर भी जो है हम संभाल सकते हैं। लेकिन ये आपको 2 महीना करना है, ये नहीं कि होली है दिवाली आ गया छुट्टी मार दिए, ऐसे नहीं, 2 महीना पूरा आपको अपना डेडिकेटेड लेवल दिखाना पड़ेगा एग्जाम के प्रति कि आपको सीट चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बोल दे रहा हूं, बार बार बोला हूं, हजार बार बोला हूं, एक सीट पर ना 70 से 75 लड़के जो है वो लड़ रहे हैं, और आप भी कर सकते हो ये चीज। जैसे मैंने एक एक टॉपिक पढ़ाया है, मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। चीज को देखो, आपको करना क्या है, पहले आप देखो आपका सिलेबस क्या है ए टू जेड, उसके बाद एक एक चीज मैं समझाऊंगा आप सभी को आज के वीडियो में, ठीक है ना। अब आप सभी को पता है आपके एग्जाम में जो मैथ आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का, और जो टोटल पेपर है वो कितने का है, वो 100 नंबर का है, जिसमें अगर मैं सिर्फ मैथ की बात करूं तो अगर आप जो स्टार्टिंग वाला पार्ट देख रहे हैं 80% स्टूडेंट को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो समझ में बहुत अच्छे तरीके से आता है। और अपने माइंड में एक बात याद रखना, आपको 30 में 30 स्कोर नहीं करना है, ये नहीं कि 30 में 30 स्कोर इसमें करना है, रीजनिंग में 30 में 30, 100 में 100 नंबर लाना है, तब तो बात ही खत्म हो गया। एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना है जहां पर आप बहुत आसानी से पहुंच सको। तो अगर आप देखोगे पहले पार्ट में जो है नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएफ, एससीएफ, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब्स और सर्ट्स, या इस चीज टॉपिक को सबको, बहुत जन को समझ में आता है। अगर इसकी बात करूं तो आपकी 30 नंबर में से आप लिखकर हमसे अभी ले लो कि 5 से 6 सवाल तो आपको कंफर्म जो है बस यहीं से मिलने वाला है। अब बात करें इस पार्ट को, अर्थमैटिक वाले पार्ट को, अंकगणित वाले पार्ट को, तो जितने भी चैप्टर है यहां पर अभी सब कराऊंगा, आपको पूरा समझाऊंगा। इसको अगर आप ले लोगे तो आप मुझसे लिख कर ले लो अभी, इस बस इतने टॉपिक से जो है आपका 16 से 17 नंबर जो है आपका बस यहां से आने वाला है, यानी 17 और 6 23 नंबर जोड़ देंगे। और ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है बहुत जन को समझ में नहीं आता है, अगर आप ये नहीं भी करोगे फिर भी आपका मैथ में स्कोर जो है वो 20+ तो आराम से आप कर सकते हो,
सभी कोई के बस की बात है। फिर भी अगर आप चाहते हो नई नंबर और इंक्रीज करना है तो आप एक टॉपिक यहां पर ऐसा है एलजेब्रा, जहां पर आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहां से अगर आप एक टॉपिक पकड़ लो, एलजेब्रा पकड़ लो या आप पकड़ लो मेंसुरेशन, तो 2 से 3 नंबर आप यहां से, यानी मैथ में आपको टारगेट जो है वो ज्यादा नहीं रखना है, 22 से 23 नंबर मुझे मैथ में स्कोर करना है। जो टॉपिक मेरा कमजोर है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, उसको नहीं करेंगे। मैथ में और भी तो टॉपिक है जो मुझे एग्जाम में पास करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। तो आप एक बार देखो और मैं आगे आपको वीडियो में पूरा समझाऊंगा। तो आप ये लेकर चलो कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर करना है, और मैं करवा भी रहा हूं ये टॉपिक पूरे क्लियर करने। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं। अगर अब मैं बात करूं रीजनिंग का, रीजनिंग में आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि 80% से ज्यादा लोग बोलते हैं भैया रीजनिंग सबसे आसान होता है। और मैं बात करूं तो कमजोर बच्चे भी जो है वो 20-22 नंबर लेकर आते हैं, सच्चाई बता रहा हूं। जब आप रीजनिंग का पेपर देखोगे ना, अगर कंसेप्ट क्लियर करते वक्त, और एक बात, मैं जितना रीजनिंग पढ़ा दे रहा हूं सक्सेस की 98 पर, आप पिछले रेलवे का 20 साल का पेपर या एसएससी के किसी भी एग्जाम का पेपर खोल लेना, आप बोलोगे भैया आपके कंसेप्ट के अंदर से ही सारा सवाल बन रहा है। ठीक है, रात को 10 बजे रीजनिंग होता है, तो रीजनिंग आपको सब पढ़ना है। लेकिन आप सभी को पता है 30 नंबर का आपका रीजनिंग आता है, लेकिन करना कितना है तो आप मन में टारगेट लेकर चलना, 26 नंबर मुझे कम से कम उठाने, और ये आप कर सकते हो रीजनिंग में। तो अगर मैं बात करूं 26 रीजनिंग में हो गया और मान लो 22 मैथ में, तो कितना हो गया? आप बोलोगे 48 नंबर, तो भैया हम यहीं पर पहुंच गए हैं। ठीक है, अभी पूरा समझाऊंगा वीडियो में कैसे क्या करना है। अब बचता है हमारे सामने जीके जीएस करेंट अफेयर। तो आप सभी के पास पीडीएफ है जो मैंने दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और क्लास का टाइमिंग भी पता है, आगे क्लास में मैं बताऊंगा भी अभी आज के वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर करेंट अफेयर जो मैं आप सभी को पढ़ा दे रहा हूं ना, करेंट अफेयर में आप याद रखना आपका 6 से 7 नंबर कहीं नहीं गया है, प्लस जो स्टैटिक जीके होता है वो भी 4-5 नंबर जोड़ दो आप सभी, तो आप बोलोगे भैया 56-57 नंबर तो आराम से उठाया जा सकता है अगर मैथ रीजनिंग और करेंट अफेयर को जोड़ दे तब। अब बचता है आपके पास जीएस और जीके, जो आपका 30 नंबर तो कंफर्म आएगा ही आएगा। अगर वहां पर बात करोगे, देखो अब किसी में 3-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, करंट अफेयर में कुछ ज्यादा क्वेश्चन आ गए, इसीलिए मैंने करंट अफेयर जीके जीएस को एक साथ 40 नंबर वाले में रखा है। अगर आप जीएस जीके में 30 में 12 नंबर भी उठाते हो तो आपका 70 प्लस डाटा चल जाता है, जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। मैं बस उतनी की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आपको सब में सब उठाना है, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, तब तो बच्चे का दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो जितना आप कर सकते हैं मैं बस उतनी की बात कर रहा हूं, और आपको पूरा अब स्ट्रैटेजी बताऊंगा करना क्या है, देखो वीडियो में आगे। आपने सिलेबस देख लिया और आपको मैंने ये भी बता दिया कौन सा टॉपिक में कितना नंबर आने वाला है, क्या होने वाला है। अब एक बार आप क्या करो ना, आप एक काम करिए, सिलेबस तो आप सभी देख लिए और टाइमिंग एक एक चीज बताऊंगा। अब आप देखो कि बहुत सारे, अभी क्लास मैंने दोबारा स्टार्ट करवाया है और 18 से 20 क्लास ही हुए हैं, और क्लास का टाइमिंग बताऊंगा, क्लास का टाइमिंग भी क्या है। अब आप देखो, आप जो है, जो आपके वीडियो छूट गए वो कोर्स आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं दोबारा से, एक बार आप छोटा सा ये क्लिप देखो, ठीक है, कि आप वो जो कोर्स जो छूटा है उसको आपको कंप्लीट कैसे करना है, एक बार आप एक बार ये भी देख लीजिए। आपको करना क्या है, आपको अपने फोन में YouTube खोलना है और यहां पर टाइप करना है सक्सेस की 98। जैसे ही आने के बाद देखो, यहां पर जैसे ही सक्सेस की 98 आएगा, आप सभी को इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप हमारे चैनल पर आ जाएंगे। चैनल पर आने के बाद आपको प्रीवियस जो सिलेबस कंप्लीट करवा जा चुका है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा है आपका रेलवे। एक मिनट, आपको यहां पर क्या लिखा हुआ आप सभी का, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी प्रिपरेशन। इस प्लेलिस्ट में नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आप देखोगे यहां पर क्लिक करना है, यहां पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो बहुत सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे। लेकिन जो मेन प्लेलिस्ट है जो आपको कंप्लीट करना है, वो कौन सा कंप्लीट करना है, ये वाला देखो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं रीजनिंग चैप्टर वाइज। इसके अंदर टोटल 17 वीडियो है,
17 वीडियो है, मैं बोल दे रहा हूं इस 17 वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाया गया है रीजनिंग का चैप्टर। और देखो डेली कितना टाइम देना है ना, मैं आपको आगे पूरा बताऊंगा पूरा टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी। उसके बाद ये मैथ प्लेलिस्ट दिया गया है आप सभी को जस्ट ऊपर में, मैथ प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज वीडियो, बस आपको ये दो वीडियो ही देखना है। और कितने देर कौन सा देखना है आपको मैं पूरा समझा दे रहा हूं। क्या करना है, पहले अपने फोन में सक्सेस की 98 खोलना है। खोलने के बाद चैनल पर आने के बाद आपके पास नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद ऊपर में एक प्लेलिस्ट दिया गया है RRB NTPC ग्रुप डी, इस प्लेलिस्ट में नीचे जाएंगे, इसको खोलेंगे। देखो दो वीडियो, दो प्लेलिस्ट आपको कवर करना है, एक तो रीजनिंग वाला, एक मैथ वाला। ठीक है, मान लो एक मैथ वाला ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे नीचे जाएंगे, नीचे वाला जो है आप देखो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा वीडियो नहीं है, वो मैं मेंशन कर दूंगा। 9, 10, 11, 12 डेली आपको एक वीडियो देखना है और इसका नोट्स बनाना है। सेम उसी तरह आपको रीजनिंग का भी, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आगे देखो वीडियो में क्या बता रहा हूं आप सभी को, आपने देख लिया। अब आप देखो आपको डेली जो है ना वो कम से कम 6 से 7 घंटा प्रॉपर वे में देना है। 6 से 7 घंटा का मतलब पूरा देना ही देना है, यानी पूरे दिल लगाकर 6-7 घंटा जो है वो अपने 24 घंटे में इस पढ़ाई के ऊपर देना है। आप भूल जाओ 10 क्लास में आप पढ़ने में कमजोर थे, 12 में पढ़ने में कमजोर थे, कॉलेज में आपका कम नंबर आया, सब जो है वो पानी का पानी है। अगर आज दो महीने आप 6-7 घंटे दे है तब। अब आप एक चीज देखो, आप सभी को मैंने एक चीज दिखाया, पहले एक बार क्लास का टाइमिंग नोट कर लेना। वो आप एक काम करना, जितने भी मैंने आपको अभी वीडियो दिखाए ना, आप डेली क्या करो, मैथ का कम से कम 2 क्लास आप देखो पर डे, ताकि आप मुझे पकड़ पाओ। आप 2 भी नहीं देखेंगे ना, आप डेली मान लो आप 1 क्लास देखो पर डे, वहां से पर डे 1 मैथ का क्लास देखो, रीजनिंग का क्लास जो है वो वहां से 1 देखो, आपको लाइन बाय लाइन हर एक क्लास मिल जाएगा। ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके नहीं देखेंगे, जीएस नहीं देखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि जो क्लास जीके और जीएस का हुआ है और करेंट अफेयर का जो क्लास हुआ है उसका पीडीएफ आप सभी को दे दिए हैं। ठीक है, उस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको बस 2 क्लास देखना है वहां से। अब जीके जीएस करेंट अफेयर नहीं देखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन आप वहां से डेली 1 मैथ क्लास, 1 आपका रीजनिंग क्लास, इसको देखने में और नोट्स बनाने में आपका टाइम कितना जाएगा, अगर आप देखोगे तो 2.5 घंटा से ज्यादा आपका टाइम जो है वो जाने वाला नहीं है। तो ये 2 वीडियो आपको लाइन बाय लाइन भी मैं दिखा दिया हूं मिल जाएगा, आपको ये 2 वीडियो देखना है। प्लस पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, किसका पीडीएफ, तो जीके का वहां पर दे दिया हूं, जीएस का दे दिया हूं, प्लस करेंट अफेयर का जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का पीडीएफ भी जो है अप टू डेट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप याद रखना एक बात मेरा, आपको कम से कम इसके ऊपर, ये आप क्लास छोड़ चुके हैं, आप बस पीडीएफ पढ़ लेना, ये पढ़ने में कम से कम आपको डेली कितना देना है, 2 घंटे का समय देना है पर डे, 2 घंटे का। आप ये याद रखना कि हमको जीके डेली 30 मिनट पढ़ना है, 30 मिनट का मतलब 30 मिनट में कम से कम 40 क्वेश्चन पढ़ना है, जीएस कंप्लीट करना है, वो पूरा पीडीएफ कंप्लीट करना है, तो 30 मिनट इसके लिए देना है। ठीक है, कितना हुआ, 1 घंटा और आप सभी का चला गया। ये करेंट अफेयर में 30 मिनट देना है। ठीक है, 1.5 घंटा आप डेली पीडीएफ पढ़ेंगे और 2 घंटे जो मैंने दिखाया अभी वीडियो, वो 2 घंटा वीडियो देखोगे, कितना टाइम चला गया आप सभी का, 4.5 घंटा जो है वो आपका चला गया। मेहनत करना है भाई, एक एक टॉपिक मैंने बताया है और एक एक चीज को क्लियर करवाया है। ठीक है, अब देखो आप सभी, इतना तो आपको कम से कम कवर करना पड़ेगा अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तब। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, मैथ, रीजनिंग और जीके बोलो, जीएस बोलो या बोलो करेंट अफेयर, आप याद रखना, आप सभी जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप बोलेंगे भैया रीजनिंग सबसे आसान चैप्टर है, और रीजनिंग में जितना आप सभी को पढ़ा दे रहा हूं उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है कि 100 में 90% लोगों को यह टॉपिक आसान लगता है। तो आप भी जब पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा,
और ज्यादातर जो चैप्टर है वो पूरा कंसेप्ट के बेस पर है, कंसेप्ट प्लस ट्रिक। यानी एक बार वो चैप्टर आप समझ गए तो क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा आप सभी कर लोगे। और रीजनिंग में टारगेट अपने दिमाग में ये रखना कि आपको रीजनिंग में कम से कम 28 नंबर तो उठा, 28 नहीं, आप एक टारगेट लेकर चलो कि रीजनिंग में मुझे कम से कम 26 प्लस नंबर स्कोर करना है, और ये आप सभी कर सकते हैं। और जैसे मैंने मैथ के वीडियो में आप सभी को दिखाया और जितने वीडियो मैंने करवा दिए, अभी मैं पूरा बताऊंगा, पूरा आप समझना अच्छे से, ठीक है। मैथ की अगर बात करूं तो मैथ के जितने वीडियो मैंने करवा दिए, SCF, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद से मान लो आपका टाइम और स्पीड डिस्टेंस वाला, नंबर सिस्टम वाला, वो वीडियो आपको डेली एक देखना है, वहां से एक की करियर कंप्लीट करना है। बाकी आपको मेन फोकस रखना है यहां पर, याद रखना एक और बात, वहां से एक एक वीडियो डेली देखना है, यानी 4.5 घंटा तो आप वहां पर दे ही रहे हैं पर डे 4.5 घंटा। शाम को 6 बजे आपका मैथ का क्लास चलता है, कितने बजे, शाम को 6 बजे आपका मैथ का क्लास चलता है, तो ये वाला क्लास भी आप कवर करते रहना डेली। यानी यहां पर आधा घंटा आपका टाइम और जाएगा, रीजनिंग में आधा घंटा टाइम आपका और जाएगा, तो जो सिलेबस हो चुका है उसको भी कवर करते रहना डेली, और डेली जो क्लास चलता है वो भी आप कवर करते रहना, यानी 1 घंटा आपका और चला गया, और आप पीछे जो क्लास छूट गए आपके वो भी कवर कर रहे हैं, और जो चैप्टर करवाया जा रहा है वो भी आप कवर कर रहे हो। देखो टाइम तो देना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, तो कितना हुआ, 5.5 घंटा आपका जो है वो चला गया, ठीक है, कितना चला गया, 5.5 घंटा। अब जीके, जीएस और करेंट अफेयर, देखो करेंट अफेयर का जो रिवीजन क्लास है रात को 11:30 बजे वाला, वो इतना बेहतरीन हो रहा है ना कि आपको सब कुछ कंप्लीट करवाया जा रहा है 11:30 बजे वाले क्लास को। अगर मैं इसको पूरा जोड़ दूं तो आप बोलोगे भैया 1.5 घंटा जो है हमको यहां पर देना है, तो कितना हो गया, 6+1 7 घंटा आप सभी को देना है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। यानी आपका पिछला टॉपिक जो चैप्टर छूटे हैं वो भी कवर हो रहा है और आपका पूरा सिलेबस भी चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब कुछ नहीं पढ़ना है। एक बात और, ये आप डेली करिएगा, प्लस प्लस प्लस, देखो आप एक बात और मैं हमेशा बोलता हूं, ये 7 घंटा आपको पढ़ना है। ये क्लास का टाइमिंग मैंने आपको दिखा दिया है कि 6 बजे मैथ, एक बार आपको ना मैं क्लास का टाइमिंग दिखा रहा हूं, ये वाला, एक बार आप सभी क्लास का टाइमिंग देख लो, यहां पर आपको डेली जो है 2.5 घंटा का क्लास चलता है टोटल मिलाकर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आप क्या करना, जितने पिछले क्लास छूट गए हैं मैं आप सभी को दिखा चुका हूं, ये क्लास आप डेली करना। अब आपको लग रहा होगा भैया बहुत मेहनत है, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मैं क्या बोल रहा हूं, 7 घंटा प्रॉपर देना है आप सभी को, अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, वहां तक पहुंचना है तब, ठीक है, 7 घंटा एट एनी हाउ देना है, जो एक साल में नहीं हुआ वो 7 घंटा प्रॉपर देने के बाद हम सभी कर सकते हैं। प्लस आप क्या करना ना, आप दिन में, या आप अभी आप नए हो ना तो एक काम करना, हफ्ते में, यानी हफ्ते में आप 3 दिन टाइम निकाल लो। किस लिए भैया, 3 दिन टाइम निकाल कर ना आप डेली एक रेलवे का सेट मारो पर डे, ये मारना है भाई। वो अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, अगर एग्जाम निकालने में 60% हाथ है, तो बस ये टेस्ट में जो आपका एग्जाम निकालेगा ये 40% हाथ इसका रहता है, ये सभी मानते हैं। तो आप वो तो कवर करना ही करना है, लेकिन हफ्ते में 3 दिन टाइम निकालकर आपको एक टेस्ट लगाना है, ताकि आप जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। और पहले आप जब टेस्ट देखेंगे ना, तो छोटा छोटा माइंड में टारगेट लेकर चलना। और एक बात और मैं बता दूं आप सभी को, एक काम करिएगा कि आप क्या करिएगा ना, जब पेपर दे दोगे तो आप एक बार ना पेपर को एनालाइज कर लेना कि रीजनिंग, मैथ और जीके में मेरा नंबर कितना उठ रहा है, कहां पर मुझे थोड़ा थोड़ा कर काम करने की जरूरत है। आप एग्जाम देने के बाद हमेशा पेपर को एनालाइज करना आप सभी। और आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं, तो आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद
आप एप्लीकेशन के ऊपर जाकर टेस्ट दे सकते हैं, और एक बात आप मेरा क्या किसी का भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं बोला हूं कि मेरा ही देना है, लेकिन मैं आपको आज के वीडियो में क्या बता रहा हूं, आपको पूरा स्ट्रेटेजी, और कोई प्लस कोर्स नहीं, कोई पैसा नहीं, मैं लिख कर दे सकता हूं भाई जो पढ़ा दे रहे हैं ना आपको, यही कि 7-8 हजार रुपया लेने के बाद पढ़ाया जाएगा और आप वहां पर पढ़ेंगे। अगर टीचर अच्छा नहीं भी पढ़ाएगा ना, फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप पैसा बर्बाद किए, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अब एप्लीकेशन के ऊपर भी दे सकते हैं। एक बात और बता देता हूं, अगर आप सब टेस्ट का अलग अलग दाम है, लेकिन अगर आप एक बार में 349 वाला पैकेज बाई करते हैं, तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आने वाले हर एग्जाम के लिए आपको हर एग्जाम का कम से कम 20-25 सेट दिया जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, या फिर बैंक का एग्जाम हो, या फिर आप सभी का एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है। एक बात, लेकिन आपको मैंने जितना बोला है इतना करना पड़ेगा। अब आप बहाना मारोगे कि भैया आज सरस्वती पूजा है, आज दिवाली है, आज होली है, ये नहीं चलेगा। आपको सोचना पड़ेगा, इतने दिन हम कुछ नहीं किए, इतने उम्र आने के बाद तो कम से कम 2 महीना अगर ढंग से मेहनत कर दे तो रिजल्ट बिल्कुल मिल सकता है। मैंने क्या बोला, ये करना है आपको अगर एग्जाम निकालना है तब। अब बहुत जन के माइंड में आएगा, इतना नोट्स कौन बनाएगा, ये कौन पढ़ेगा, ऐसे बहुत जन के माइंड में आ रहा होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ बता दिए आपको, बस नोट्स बनाना है, चैप्टर कंप्लीट करना है, जो क्लास छूट गया है वो क्लास को कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, वीडियो कैसे देखना है, मैंने बता दिया है। प्लस डेली क्लास भी आप अटेंड करो, यहां पर भी आपको कितना टाइम देना है मैंने बता दिया है, ठीक है। ये हफ्ते में 3 दिन टेस्ट आपको लगाना है, और कैसे लगाना है अभी वीडियो में देखो, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। होप करेंगे, और हाँ, थोड़ी देर के बाद यानी शाम को एक वीडियो आपको यह भी मिलेगा हमारे चैनल पर, कि इस हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार तक आपको कौन कौन सा टॉपिक जो है वो क्लियर करवाया जाएगा, देख लेना एक बार। शाम को वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पर ही। लेकिन हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत जन बोलते हैं भैया अभी से हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेहनत तो होना चाहिए ना। अगर आप कर सकते हो लेकिन मेहनत ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। सब कुछ अवेलेबल है, बस मेहनत अगर उसके साथ कहीं जुड़ जाए तो रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। यह नहीं कि भैया आप मुझे पढ़ाओ, पैसा दे दे रहे, सारा कंटेंट मिल जा रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। आपको समझना पड़ेगा, रिजल्ट के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक बार आप अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहां पर आपको टाइप करना है सक्सेस की 98, ठीक है। सक्सेस की 98 जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ये खुल जाएगा, ऊपर वाले को आपको ओपन करना है। मेरे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास ये पेज नहीं खुलेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको बोलेगा अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और एक पासवर्ड बना दीजिए जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो वो ईमेल आईडी, फोन और पासवर्ड लगाकर रजिस्टर्ड होने के बाद आप उसी फोन नंबर और जो पासवर्ड बनाए हैं उसके द्वारा लॉगिन हो जाइएगा, या फिर उस ईमेल आईडी और उस पासवर्ड के सहायता से, ठीक है। आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखेंगे आप सभी के पास बहुत सारा रेलवे, इंश्योरेंस, एसएससी, बैंक, सभी का हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया गया है, जो आपको पूरे एक साल तक इसका वैलिडिटी रहेगा, या फिर एक साल तक जितना भी एग्जाम आएगा हर एक एग्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा। जैसे मैं आपको रेलवे का खोल कर दिखा दे रहा हूं, और बाई कैसे करना है यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आपने रेलवे का खोला तो ऊपर में देख रहे हैं आप सभी NTPC Level 1 Group D, JEE ALP Group D, लेकिन आप सभी को पता है कि ALP और आप सभी का RRB JEE में जो CBT 1 एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस और NTPC ग्रुप डी का सिलेबस सेम है। तो आपको हर एक एग्जाम देना है। आप एग्जाम कैसे देंगे सबका, पहले आप ये देख लो, NTPC ओपन करेंगे, ऊपर में ओपन करेंगे, आपके सामने टोटल 30 सेट यहां पर है, तो 30 सेट आपको देना है एग्जाम से पहले, ताकि आप जज कर पाओ। प्लस ग्रुप डी में आप देखेंगे
पूरा आपके पास 30 सीट यहाँ पर है तो ये भी देना है, ये नहीं कि एनटीपीसी दे रहे तो ग्रुप डी नहीं देंगे, ग्रुप डी और एनटीपीसी का पैटर्न सेम है, तो 60 ये हो गए, प्लस आरआरबी लेवल वन खोलेंगे तो यहां पर आपको 20 मिल जाएगा, 60 20 80 ये हो गया 80 सेट, एएलपी में आपको मिल जाएगा 10 यानी 90 सेट, आरआरबी जेई यहां पर आरआरबी जेई में स्टेज वन वाला यहां पर आपको 10 मिल जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके 100 टेस्ट आपको देना है। आप सोच लो आप डेली 2 देंगे 3 देंगे, लेकिन देना है, देने के बाद अपने आप को जज करना है डेली कि मेरा गलती कितना है, पक्का 100% रिजल्ट आता है। स्टूडेंट बोलते हैं भैया मॉक टेस्ट देने के बाद 15-20 मेरा नंबर 10-12 नंबर इंक्रीज होने लगा है, ताकि क्या होता है वो अपना गलती देख रहे हैं, एग्जाम से पहले गलती क्या कर पा रहे हैं। अब एग्जाम कैसे देना मैं पहले आपको वो दिखा दे रहा हूं। मान लो और एक बात, अगर आप बस एनटीपीसी बाई करेंगे तो 149 में आपको बस 30 सेट ही मिलेगा और ज्यादा नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं ऊपर वाला जो ये है ना 349 वाला पैक ये बाई करिएगा, ताकि 349 में जितना भी एग्जाम है हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा पूरे साल भर के लिए। अगर आप बस एनटीपीसी का बाई करते हैं तो बस आपको एनटीपीसी का ही मिलेगा, लेकिन आपको मैं बोलूंगा पूरा बाई करना। अगर आप मान लो टेस्ट कैसे देना है, आप एनटीपीसी का टेस्ट देना है ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 2 टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा जो आप दे सकते हो, लेकिन बाकी पर लॉक लगा रहेगा। बाई कर लेंगे 349 वाला तो आपका पूरा का जितना टेस्ट है लॉक खुल जाएगा। थर्ड नंबर टेस्ट कैसे देना है देखो, यहां पर बाई करने के बाद टेक टेस्ट है, इस पर ओपन करना है। जैसे ही ओपन हुआ देखो क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा है, इसको हिंदी में कैसे करना है, तो यहां पर कोना में कॉर्नर में आपको दिया गया लैंग्वेज चेंज करने के लिए, लैंग्वेज चेंज स्पीड टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद पूरा, और यहां पर देखेंगे आप सभी का टाइमर भी चल रहा है ऊपर में, पूरा टेस्ट देने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका रैंक दिखाएगा, रैंक दिखाएगा साथ साथ दिखाएगा हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। जैसे मैं आप सभी को दिखा दूं यहां पर, मान लो इस पर देख रहे हैं एक वाले में, यहां पर आप सभी देख पाइए टोटल 5530 स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं अभी तक, बहुत जन लिए, बहुत जन बोले भैया बहुत फायदा होता है। अब आपको क्या करना है, बाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मान लो आपको ये 349 वाला जो है ये बाई करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा, तो अपना फोन नंबर देकर लॉगिन हो जाइएगा, फोन नंबर जो भी आपके बैंक में, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वैलेट से पेमेंट कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर नंबर दिया, यहां पर ऑप्शन आ गया आपका फोन पे का या गूगल पे जिससे आपको बाई करना है, यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे अदर मैथड में जाएंगे तो आपका यहां पर देखिए वैलेट, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर पेमेंट करने के बाद 5 से 10 सेकंड रुकिएगा, सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो है वो पूरा पैक खुल जाएगा। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे कैसे पेमेंट करना है, कैसे टेस्ट देना है, सब कुछ। अब आगे देखिए वीडियो में क्या बोल रहा हूं आप सभी के साथ।